नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके सारे सवाल ये थे कि फॉरेन ट्रेवल बिजनेस क्या रहेगा, किस प्रकार रहेगा। जो भी मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ तो ये देखिए मंगल का क्षेत्र है। मंगल पर आड़ी रेखा 2 से 4 बार है। देखिए, ये मंगल की रेखाएं हैं। अगर ये ज़्यादा बड़ी हो जाती तो इस पर आपकी जीवन रेखा काटती और बड़े नुकसान देने वाली होती। बट अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो केवल 2 से 4 रेखा ही यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपको बहुत छोटी छोटी सी आर्थिक समस्या बीच बीच में देती रहेंगी। इसके लिए कुछ छोटे से उपाय थे, वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आप वो डेली करते, रेगुलर करते, तो फिर आपको अच्छा लाभ उन रेखाओं के द्वारा मिलने वाला रहेगा। शुक्र के हिस्से पर ये आड़ी रेखा देखिए, लगभग आजकल हर हाथ में रेखा देखी जाती है। ये आपको नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग देती है। परिवार में समस्याएं भी काफी हद तक बढ़ जाती है जब हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है। तो शुक्र के नीचे के हिस्से पर आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। शुक्र के इस हिस्से पर जब सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, इसका मतलब ये पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा द्वारा आपको आगे बढ़ने के मौके, ग्रोथ करने के मौके बारम्बार मिलते रहेंगे और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी आएंगी। अपने ग्रैब कर आगे भी बढ़ने वाले रहेंगे। तो इस तरह के अच्छे एवं पूरे पूरे आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ मैं। इसका मतलब यह कि व्यक्ति अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करे कहीं भी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, आपको उससे लाभ मिलेगा। अंगूठा यहाँ से हल्का सा चौड़ा हुआ है, अंगूठा यहाँ से हल्का सा ये इसमें घुमा हुआ है, यहाँ पर गांठ मुझे दिख रहा है। जब अंगूठे का घुमाव इस प्रकार हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन की बात कहने में सक्षम नहीं हो पाता, कभी कभी चुप हो जाता है और अपने जीवन के गहरे राज अपने अंदर रखता है, कभी किसी से शेयर नहीं करता। अंगूठा सही है, मजबूत है। यहाँ पर सेकंड फ्लाइंग ही ठीक ठाक ही है आपके हाथ में। मणिबंध पर आएंगे तो मणिबंध पर 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, मणिबंध पर 3 नहीं 4, देखिए हल्की हल्की सी चौथी रेखा भी दिख रही है। देखिए, जो मैंने हस्तरेखा में पढ़ा है उसमें यह पाया है कि जिस व्यक्ति के हाथ में मणिबंध पर 4 रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति अगर सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हरि नारायण का नाम जाप करता है, खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण का जाप करता है, तो बहुत लाभ मिलता है। और हस्तरेखा में इस बात की जानकारी दी गई है कि ऐसे व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष बताई जाती है, बट मैंने इसको कभी लाइव नहीं देखा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर 4 रेखा मौजूद है तो व्यक्ति की उम्र लंबी, अच्छी, दीर्घायु, रोग एवं दोष से मुक्त एवं रहित रहती है। व्यक्ति रोग दोषों से कम ही अपने जीवन में उनका गहरा प्रभाव झेलता है और दीर्घायु वाला व्यक्ति ऐसा होता है। बाकी अगर जीवन में ध्यान रखिएगा, ये मणिबंध पर 4 रेखा एक सावधानी भी देती है। आपको सावधान इन चीज़ों से रहना रहेगा कि आपके जीवन में कभी भी आप किसी से धोखाधड़ी ना करें, कभी किसी से बेईमानी वाले कार्य ना करें, कभी किसी का दिल ना दुखाए, कभी किसी की बद्दुआ न लें, कभी किसी ने आपसे झूठ ना बोले, कभी किसी का विश्वासघात ना करें, कभी किसी की बद्दुआ ना लें। अगर ये 6 से 7 चीज़ नहीं करते हैं, एक सज्जन पुरुष की तरह जीवन जीते हैं, समाज सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, मूक जानवर की सेवा करते हैं, अनाथ आश्रम में बच्चों के शिक्षा मदद करते हैं, वृद्ध आश्रम में बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उन्हें भी अन्नदान वस्त्रदान करते हैं, समाज के काम आते हैं, समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप जीवन में हर सफलता को अर्जित करेंगे और अंत में मोक्ष मुक्ति की राह पर चल पड़ेंगे। तो ये योग आपके हाथ में पूरे पूरे बन रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। अगर सज्जन पुरुष की तरह जीवन जीते हैं तो आप, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जीवन बड़ी सफलता आपको अर्जित होगी और आपको लास्ट में आकर एक परम आनंद की अनुभूति जैसी वाली चीजें भी आपके साथ होने वाली रहेंगी। अगर आपके हाथ में चंद्र देखा जाए, चंद्र आपके हाथ में अच्छे हैं, काफी मजबूत हैं। चंद्र से रिगार्डिंग कोई समस्या आपके हाथ में नहीं है। महादेव की भक्ति कैसे किस प्रकार भी कर लीजिए, उससे आपको लाभ ही मिलने वाला रहेगा अपने जीवन में। यहाँ पर ये आपके हाथ के भारी मंगल है, भारी मंगल अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। तो गुप्त शत्रु से हानि के कोई योग नहीं दिख रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर जीवन नहीं काटने रहेंगे। ये आपके हाथ का बुध पर्वत है, बुध पर 3 रेखा मौजूद है। देखिए, बुध पर 3 रेखा का मौजूद होना बहुत शुभ लाभ, या फिर ये 4 नहीं, ये 3 ही 4 है। 4 रेखा बहुत शुभ लाभ देती है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में बुद्ध देवता की असीम कृपा प्राप्त है, हरे पर्दे घर में टांगने से, या फिर हरे सब्जियों का सेवन करने से, या फिर हरे वस्त्र पहनने से, बुधवार का व्रत रखने से, या फिर हरे कपड़ों का दान करने से व्यक्ति को बहुत फायदा मिलता है। ये कार्य आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी, मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी व्यक्ति को मिलने वाली रहती है। सूर्य का क्षेत्र सही है, यहाँ पर अच्छी रेखा दिख रही है, यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है। सूर्य के क्षेत्र पर जब ट्रायंगल बनता है तो इच्छा पूर्ति के संकेत की ओर दिखाता है, व्यक्ति की इच्छा जल्दी और अच्छे से पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर अगर आएंगे तो देखिए शनि के क्षेत्र पर वी का साइन बन रहा है, ये बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ साइन होता है।
इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, आर्थिक तंगी नहीं आएगी आपको बुढ़ापे में किसी भी रूप में, और बहुत सारे शुभ लाभ आपको शनि की इस रेखा से मिलने वाले रहेंगे। संतान लायक निकलते हैं व्यक्ति की, और संतान द्वारा पूर्ण सेवा भी होती है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुष आकार रेखा बन रही है, व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय ले लेता है। उंगली के 12 फैलेंजेस दिखेंगे आपके हाथ में, जो आपकी उंगली के 12 फैलेंजेस हैं देखिए, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, जब भी आपके ग्रह राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा लाभ भी देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर ये देखिए जो फैलेंजेस हैं वो अंडर डेवलप हैं, इसका मतलब ये मान सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में खर्चा ज़्यादा करता है, जितना पैसा कमाता है बड़ा पैसा खर्च होता है, सेविंग जानबूझ के भी नहीं हो पाती। यहाँ पर अगर आएंगे तो हृदय रेखा में थोड़ी बहुत दिक्कत ये दिख रही है कि आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। देखिए मैं फिर भी कहूँगा कि आपका जो जीवन है वो अच्छा रहेगा, रोग एवं दोष से मुक्त रहेगा, बट फिर भी आप इसको एक चेतावनी के तौर पर ले सकते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो अभी से अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। जितना आप अपने जीवन में सुबह सुबह घूमने जाएंगे, उगते हुए सूरज के दर्शन करेंगे, सूर्य देवताओं को प्रणाम करेंगे और अपना वजन नहीं बढ़ने देंगे, अगर सुबह सुबह योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करके आदत डालते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बड़ा लाभ आपको इस तरह के कार्य करके जीवन में देखने को 100% मिलने वाला रहेगा। ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा सीधी चलती जा रही है और झुकती चली जा रही है, यह नेचर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड देती है, आपका नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, छोटी छोटी बातों को जल्दी सीखने समझने में सक्षम है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बातों पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और आप विपरीत परिस्थिति में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इस तरह के योग आपके हाथ की रेखाओं में मुझे खासकर मस्तिष्क रेखा में दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ में देखा जाए, ये आपके हाथ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा आपके हाथ में काफ़ी अच्छी काफ़ी मजबूत है, इस पर 2 से 4 कट भी आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर, लेकिन ये भी ठीक है अच्छी है। जीवन रेखा दिखाती है कि आपको परमात्मा द्वारा अच्छी आयु मिली हुई है, इस आयु का इस जीवन का लाभ उठाइए और अपने जीवन को साकार कर लीजिए। लाभ कैसे उठाना है, अपना पैसा कमाना है, समाज के लिए भी कुछ करना है, भक्ति भाव या फिर कर्म मार्ग से आप अपने जीवन में अच्छी तरक्की अर्जित करेंगे। यहाँ पर वी साइन बना हुआ है, वी साइन जीवन रेखा के अंत में आकर बहुत अच्छा साइन होता है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो बुढ़ापा रहेगा उसमें आपको मल्टीपल ट्रैवलिंग मिलेंगी, ट्रैवल अच्छा खासा करेंगे, तीर्थ यात्रियों के दर्शन भी हो सकते हैं और संतान द्वारा सेवा का भी हाथ पे संकेत देखा जाता है। यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा को देखें तो देखिए भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, भाग्य रेखा अच्छी है बट देखिए जो मजबूती होनी चाहिए, जो मजबूती मैं देख रहा था वो मजबूती आपकी भाग्य रेखा में मुझे नहीं दिख रही है, तो भाग्य रेखा मजबूत हो इसके मैं आपको उपाय जरूर दूंगा, उससे आपको अपने जीवन में बहुत लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति पर आए तो देखिए बृहस्पति का चित्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, यहाँ पर सीधी खड़ी देखा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल नहीं स्क्वायर है, जो गुरु के क्षेत्र में स्क्वायर बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में गुरुदेव बृहस्पति की असीम कृपा को प्राप्त करेगा, और जितना आप ब्राह्मण और भिक्षुकों की सेवा करेंगे उतना ही आपके जीवन में आपका भाग्य उदय होगा। और देखिए ये इस बात का भी संकेत है कि परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपने जीवन में अपने साथ साथ दूसरों के भी बहुत काम आ सकते हैं और दूसरे लोगों का भला आपके द्वारा बहुत होने वाला रहेगा। तो इस जीवन में ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का भला हो, उससे लाभ होगा, आपके द्वार पर जब भी कोई आए वो खाली हाथ लौट कर ना जाए, अगर कोई खाली हाथ लौट कर जा रहा है तो उसका आपको दोष लगेगा, फिर आप अपने जीवन में बड़ी मुसीबत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि देखिए आप परमात्मा के साधक बनेंगे आगे चल के जीवन में, जिससे कि आप बहुत सारे लोगों का भला कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों के काम आ पाएंगे, जरूरतमंद के और गरीबों के काम आ पाएंगे, तो वही चीज़ रखनी है आपको अपने जीवन में कि आपके द्वार पर जब भी कोई आए खाली हाथ लौट कर ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये स्क्वायर आपके हाथ में अच्छी अवस्था में ये अपना घूमने का सूचक होता है कि व्यक्ति को अपने घर का सुख जरूर मिलता है, क्योंकि मेरे पास रेंट पर रहता हो और मेरे पास हाथ दिखाने हैं, मेरे पूछे कि मेरा घर बनेगा नहीं बनेगा तो मैं स्क्वायर देखता हूँ, स्क्वायर अगर हाथ में तो अपना घर 100% मिल जाएगा, ये स्क्वायर बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके व्यक्ति जीवन में देने वाला रहता है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद आपको कोई डाउट कोई रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले रहेंगे, आपको हम अंततः सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। इसके अलावा उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा, उपाय मैं किस किस कर दूंगा, एक तो भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी सी यहाँ पर आड़ी रेखा जो राहु रेखा है इसके आपको उपाय दे दूंगा, उपाय आपको डेली करने रहेंगे, डेली मतलब डेली हमेशा के लिए उपाय ऐसे रहेंगे कि उस पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ज़्यादा टोना टोटका उल्टा सीधा कोई कार्य नहीं होता, सिंपल और साधारण से उपाय होते हैं, तो अगर आपने डेली करेंगे तो आपको अच्छा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। देखिए समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा आपकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है जो भी है सब बता दीजिएगा, कोई डाउट कोई रहेगी तो आपको सारे सवालों के जवाब आपको देने वाले रहेंगे, उपाय के बारे में और अपने रिव्यू के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।